श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाक्मधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगताम्पति श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये। नमः सर्वेभ्यः। शुभकृत वर्षीय तिरुपायु उपन्यासे संस्कृते क्रियमाणे अद्यतन पद्यं भवति षड्विंशतितमं पद्यं माले मणिवण्णा इति आरभ्यमानं पद्यम्। एतत् अन्तिम पञ्चकस्य आद्यं पद्यम्। त्रिपावि प्रबन्धे त्रिंशत् पद्यानि विद्यन्ते, तानि च त्रिंशत् पद्यानि षट्पञ्चकरूपेण भाव्यन्ते। एकैकस्यापि पञ्चकस्य सङ्गतिः वर्तते। आद्यपञ्चकेन भगवतः माहात्म्यम्, उपायस्य सूचनं, भगवतः पञ्च गतीनां स्थापनं एवं विनिवेद्य, तदनन्तरं द्वितीय एवं तृतीय पञ्चकेन गोपकन्यानां प्रबोधनम् अभवत् जातं। तदनन्तरं चतुर्थपञ्चकेन साक्षात् नन्दगोपस्य एव गृहं गत्वा क्रमेण नन्दगोपस्य, यशोदायाः, बलरामस्य, कृष्णस्य, तदनन्तरं नपिन्नै देव्याः साहाय्यम् इच्छन्त्यः गोपकन्याः, तामपि उद्बोधितवत्यः। पञ्चमपञ्चकेन उत्थितां नपिने देवीम्, एवम् उत्थितं कृष्णं, तयोः स्तुतिं कृत्वा कृष्णं तावत् चालितवत्यः गोपकन्याः, यतोहि तस्य सौन्दर्यम् अनुभवितुं कृष्णः अपि शय्यां परित्यज्य तेषां प्रार्थनां स्वीकृत्य सिंहगत्या, व्याघ्रगत्या, गजगत्या वा तत्र सिंहासनम् आगत्य उपविश्य, अस्तु पृच्छन्तु किं दास्यामि इति उक्तवान्। तदनन्तरमपि स्तुतिमेकां कृत्वा इदानीम् अनेन पद्येन, माले मणिवण्णा इत्यनेन पद्येन अस्माकं प्रार्थना इच्छा एषा एव इति विज्ञापयन्ति गोपकन्याः। कृष्णस्य करुणा तु प्राप्ता, दया प्राप्ता, तावदेव अलं खलु गोपकन्यानां। किन्तु व्रतं यत् आरब्धं तस्य समापनं कर्तव्यं खलु। पारोर्पुगः अन्ये
जनाः भागवतः अपि जानीयुः किं वा व्रतम् आचरितं कथं वा तत् समाप्यतम् इति वृष्टेः कृते एव व्रतस्य आचरणम् इति सूचितं पूर्वं व्रतं तावत् पूर्वैः यः मार्गः अनुसृतः यः मार्गः आचरितः तेनैव इदानीमपि गोपकन्याभिः व्रतम् आचर्यते तत्कृते उपकरणानाम् आवश्यकम् अस्ति तान्येव प्रार्थयन्ते गोपकन्याः पद्यं शृणुमः माले मणिवन्ना मार्गि नीराडुवान् मेलयार् सैवनகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்கமுரல்வன பாலன் நவண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாருடையனவே சாலப்பெரும் வரையே பல்லாண்டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலி நிலையாய் அருளேலோ ரொம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாண்ண வண்ணத்துன் பாஞ்ச சந்நியமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாருடையனவே சாலப் பெரும்பறையே பல்லான் திசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலி நிலையாய் அருளையலோ ரம்பாவாய் மாலே மால் திருமால் விஷ்ணோஹோ திராவிட பாஷாயாம் திருமால் இது மாலே மால் एतस्य शब्दस्य बहु प्रयोगः वर्तते प्रबन्धेषु सुवन्ति षटकोपमुनयः माले मायपेरुमाने मामायने एन्नेन्று माले ஏறி மால் அருளால் மண்ணு குருஹ சடகோபன் इति बहुत्र वर्तते माल् इति शब्दस्य प्रयोगः को वा विशेषः अस्य शब्दस्य आश्रितानां दोषान् अपश्यन् न ध्यात्वा दयां करोति भगवान् अत एव सः माल् तिरुमाल् इति वात्सल्यमयः इति यावत् करुणासागरः மாலே மணிவண்ணா ததனந்தரம் மணிவண்ணா மணிவண்ணா மணிவண்ணன் இத்தியபி பகுத்ர வர்த்ததே பிரபந்தேஷு வந்திருக்கும் மெல்விரலால் பாவை பனிமலரால் வந்திருக்கும் மார்வன் நீலமே அணி மணிவண்ணன் இது எதா ஸ்ரீ வீரராகவம் தேவம் வீரராகவஹ திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் இது க்ஷேத்ரே ஆஸ்தே பகவான் தஸ்ய மங்களாசாசனம் கிருதவந்தஹ திருமங்கையாழ்வார் மகாபாகாஹ தே ஸ்துவந்தி நீலமேனி மணிவண்ணன் இது தஸ்மின் அவசரே அனந்தரம் என்றும் எனக்கினியானே என் மணிவண்ணனை கண்டின் பின் போக்கினேன் என்ற சோதை கயற்றிய என்ற சோதை கயறிய ஏதத்து பெரியாழ்வார் திருமொழி மத்திய வர்த்ததே விஷுஜித்தானாம் பிரபந்தா அஸ்து மணிவண்ணா நீலமணி சதிருஷக தஸ்ய வர்ணக மனேகே பகு குணாக பகவக குணாக வர்த்தந்தே தேஜோமயஹ ஸ்வச்சதா வர்த்ததே தஸ்ய இது சர்வமபி பகவதி அபி வித்யந்தே அதேவ மணிவண்ணா இதி சம்போதனம்
மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள். கிருஷ்ணஸ்ய சந்தோஷ ஜாதக ஸ்ரத்தா பதீஹி கோபகன்யாக திருஷ்ட்வா பகவதஹ சந்தோஷ ஜாதக பிருச்சந்து பிருச்சந்து இதி உச்சியமானே கிருஷ்ணே மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள். அஸ்மின் மார்க சீர்ஷக மாசே அஸ்மாபிஹி விரதம் ஆரப்தம் கலு பவான் ஜானாத்யேவ தஸ்மின் அஸ்மின் விரதே நீராட்டம் விரதஸ்ய அங்கதய ஸ்நானம் கர்த்தவ்யம் தஸ்ய ஸ்நானஸ்ய கிருதே யச்ச ஸ்நானம் பூர்வைஹி அபி அனுஷ்டிதம் மேலையார் செய்வனகள் ந ஏதத் ஸ்நானம் நூதனதையா அஸ்மாபிஹி ஆரம்பிய கிரியதே ந அஸ்மாகம் பூர்வைஹி எது கிருதம் ததேவ வயம் அனுவர்த்தாமஹே சிஷ்டாச்சார தைஹி யஹ ஆச்சரித சயேவ அஸ்மாபிஹி ஆச்சரியதே இதானிம் வேண்டுவன கேட்டியேல் எதி பிருச்சசி த்வம் எதி பிருச்சதி பவான் கிம் கிம் இஷ்டம் கிம் கிம் அர்த்தியதே தரிஹி வதாமஹ ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் ஓய்ப்பாடுடையனவே போல்வன சங்கங்கள் ஓய்ப்பாடுடையனவே பிரப்பிரதமம் அஸ்மாகம் சங்காக ததாத்து சங்கக ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன எய்ஹி சங்கைஹி அதவா ஏஷாம் சப்தைஹி ஞாலம் ஜகத் பிபியதி ஜகத் பிபேதி சர்வம் ஜகத் பீதம் பவதி தாதிருகேவ ஜாதம் கலு பூர்வம் மகாபாரத யுத்தே சகோஷோதார்த்தராஷ்ட்ரானாம் ஹ்ருதயானி வ்யதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ துமுலோவ்யனுநாதயன் சகோஷ பாஞ்சஜன்யேன யஹ கோஷ ஆயாத் தேன தார்த்தராஷ்ட்ரானாம் ஹ்ருதயானி பக்னானி இவ அபவன் நபஸ்ச பிருத்திவீம் செய்வ ஆகாஷம் வா தரணி வா சச்ச மகான் சப்த ஆகாஷம் பிருத்திவீம் வியாப்தவான் இது தத்வத் பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சன்னியமே போலன சங்கங்கள் ந அஸ்மாக்கம் பிராக்ருத சங்காக இஷ்டாரி கிந்து தவ ஹஸ்தே யஹ அப்ராக்ருதம் அப்ராக்ருத அப்ராக்ருத சங்கஹ வித்யதே பாஞ்சஜன்யம் இதி தத்வத் தத்வத் அஸ்மபியம் பிரயச்ச போய்ப்பாடுடையனவே யதோஹி சர்வேபி ஜானந்து பரமாத்மா ஏவ பிராபணீய அஸ்மாகம் யத் விரதம் ஆச்சரிதம் சர்வேபி தத் விரதம் அனுதிஷ்டந்து சர்வேபி பரமாத்மானுபவம் பிராப்னுவந்து இது நிஷப்தம் குர்மஹ தர்ஹி கோபி ந ஜனாதி அதேவ சங்கங்கள் போல்வன சங்கங்கள் இது சங்காஹ சங்கான் யாச்சந்தே வைதிக கர்மானுஷ்டான பூர்வம் மங்கள
शब्दस्य आवश्यकं भवति खलु अतएव शङ्खनादेन आरब्धं ते पाञ्चजन्य सदृशान् शङ्खान् याचन्ते तदनन्तरं सालपेरुम्परये उद्बोधनार्थम् अथवा सूचनार्थं शङ्खस्य आवश्यकं तदनन्तरं परै इति चर्मणा कृतः वाद्यविशेषः वर्तते तेभ्यः यः शब्दः जायते सोपि महान् भवति यद्वत् पूर्वं वामनः त्रिविक्रमो भूत्वा लोकत्रयस्य मापनं कृतवान् इति ज्ञात्वा हर्षेण जाम्बवान् एकविंशतिवारं जगतः प्रदक्षिणं कृतवान् परै इति अथवा मुरसु इत्यपि परै इत्यस्य नाम अपरं नाम वाद्यविशेषः येन शब्दः ढुं ढुम् इति शब्दः जायते जाम्बवान् किं कृतवान् जगत् एकविंशतिवारं तस्य प्रदक्षिणं कृतवान् भ्रमणं कृत्वा सर्वेभ्यः निवेदितवान् तद्वत् वयमपि करिष्यामः पल्लाण्डसेप्पारे तदनन्तरं काप् पल्लाण्ड् इति स्तोतव्यं खलु तदर्थं एके च गायन्ति पल्लाण्ड् गायन्ति तेषाम् आवश्यकं भवति कोलविळक् प्रातःकाले एव वयं स्नानस्य कृते निर्गच्छामः अत एव अस्माकं ज्ञातुं हस्ते दीपान् धृत्वा अस्माभिः गन्तव्यं यतोहि सर्वेपि अस्मान् जानन्तु इति तदर्थं कोलविळक् दीपस्य आवश्यकं भवति तदनन्तरं कोडिध्वजं दूरस्थाः जनाः अस्मान् पश्यन्तु जानन्तु अस्माकम् आगमनं ते जानन्तु इति वयं ध्वजस्यापि धरणं कृत्वा गच्छामः तदर्थं ध्वजं रोचते विधानमे एषः मासस्तु मार्गशीर्षः शैत्यं बहुत्र बहु वर्तते सर्वत्र शिशिरबिन्दवः पतन्ति आकाशात् पनी ड्यू इति उच्यते खलु अतः अस्माकं शिरसः उपरि शिरसाम् उपरि वितानस्य आवश्यकं भवति कृष्णः इदानीं विस्मयमाप्नोति विस्मितः सः एतत् सर्वं कुतः अहं प्राप्नोमि युष्मभ्यं दातुं प्रथमम् अहं कुतः प्राप्नोमि एतत् सर्वम् इति यदा सः चिन्तयति तदैव आलिनिलयाय् इति सम्बुध्यन्ते गोपकन्याः सम्बोधयन्ति आलिनिलयाय् वटपत्रशायिन् हे वटपत्रशायिन् अघटितघटनासामर्थ्यं त्वयि वर्तते सर्वम् अपि जगत् त्वयि अन्तः सम्यक् स्थाप्य
स्थापयित्वा तव उदरे अन्तः सम्यक् स्थापयित्वा कुतः एकमेव पत्रं वटपत्रं शेषं भवितुम् अर्हति? समस्तं जगत् खादित्वा त्वं लघुनी पत्रे शयनं करोति, कथम् एतत् साध्यम्? तत् साध्यं चेत् एतत् किमपि न। मया यानि प्रार्थितानि तव सामर्थ्यस्य एतत् किमपि न, वस्तु एव नास्ति इति भावः, त्वया शक्यमेव इति आलिनिलयाय् अरुल् एलोरम्बावाय् अरुल् पुरिय वेण्डुम् प्रसीद, भवान् प्रसीदतु इति पद्यस्य समापनं कुर्वन्ति। अत्र स्वापदेशे यत् जन्म अस्माभिः लब्धं तत् केवलं प्राकृतवस्तूनां भोगाय नैव भवेत्। भगवन्तं प्राप्तुम् अस्माभिः यत्नः विधेयः। यद्यपि कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः इति उपायान्तरं वर्तते, तथापि प्रपत्तिर्नाम उपायः भगवते अपि इष्टः, अस्माकमपि कर्तुं सुलभः। मार्गशीर्षमासे यद्वा ज्ञानम् अपेक्ष्यते तत् सम्पाद्य शरणागतिं शरणागतेः कृते यद्यत् विहितं भवति पूर्वाचार्यैः पूर्वैः, तत्सर्वम् अनुसृत्य वयं भगवन्तं प्राप्नुयाम। शरणागतिरपि व्रतमेव, तस्य व्रतस्य कृते यत्किमपि अपेक्षते, बहवः अपेक्षन्ते, तत् भगवन्तम् एव प्रार्थयामः गुरुद्वारा आचार्यद्वारा इति। एष एव स्वापदेश अर्थः। अत्र ऐतिह्यविषये एतदेव स्वारस्यम्। केषाञ्चित् सन्देहः भवितुम् अर्हति, कथं भगवान् समस्तं जगत् अन्तः नीत्वा कथं सः शेषे पत्रे शयनं कर्तुम् अर्हति, समर्थः भवति? तत् पत्रं वा कथं समर्थं भवति? तस्य पत्रस्य आधारः कः इति हि प्रश्नाः जायन्ते। पराशरभट्टार्याः पृष्टाः पूर्वं कालक्षेपसमये पुय्गयागमहाभागैः, भगवान् एव पृष्टः तेषां पद्येन, मुदल्तिरुबन्धादि इत्याख्ये प्रबन्धे भगवान् पृष्टः भवति कथम् एतत् साध्यम् इति। तर्हि नञ्जीयर् महाभागाः आचार्यवर्याः पराशरभट्टार्यं पृष्टवन्तः, भगवता किम् उक्तं, समाधानं किमपि उक्तं वा? वैगहेवरमहाभागस्य प्रश्नस्य उत्तरं भगवता दत्तं वा इति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् एवं दत्तवन्तः पराशरभट्टार्याः, कथं तस्य सामर्थ्यं वर्तते एतस्य प्रश्नस्य समाधानं दातुं? सः किं जानाति? आश्चर्यलीलां कर्तुमेव स जानाति।
नैव कथं वा कृतं तेषां सार्थक्यं वा तत्सर्वं स न जानाति भगवान् इति भगवानेव प्रतीक्षां करोति। पुनः यदि यदि अविवार महाभागस्य जन्म जातं भवति तर्हि तं पृच्छामः इति भगवान् जोषम् आसीत् इति सहास्यम् उक्तवन्तः। भगवानेव सर्वस्यापि आधारः भवति खलु, तर्हि तस्य वटपत्रस्य कः आधारः इति पृच्छ्यते चेत् भगवानेव। यथा गोवर्धनगिरिः गोपानाम् आधारः अभवत्, तस्य गोवर्धनगिरेः आधारः भगवान् अभूत् बभूव। तद्वत् कः भगवतः आश्चर्यलीलां प्रष्टुं शङ्कयितुं वा अर्हति? भगवतः लीला तादृशी इति, अत एव तस्य वटपत्रस्यापि स एव आधारः, अदृष्टः आधारः इति भावनीयः इति उक्तवन्तः पराशरभट्टार्याः। अनेन अद्यतन उपन्यासः समाप्यते। एतदनन्तरं कूडारे विल्लुंजीर् गोविन्दा इति सप्तविंशतितमपद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः अनन्तरं। धन्यवादः। श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।